आम्हाला बाद करण्याची स्वप्ने बघू नका, आम्हाला बाद करण्याची स्वप्ने बघू नका। तुमच्या 10 पिढ्या जातील आमचं नुसतं नाव पुसायला, कळलं का? पाटील, इट्स जस्ट नॉट अ नेम, इट्स अ ब्रँड। नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नए और बेहतरीन दिवाली के व्लॉग में। तो आज का ये जो वीडियो है ये दिवाली का आखिरी वीडियो रहेगा अनफॉर्चुनेटली। देखे तक जो है गणेश चतुर्थी खत्म हुई, फिर उसके बाद जो है मुहर्रम खत्म हुआ, फिर दसरा खत्म हुआ, फिर उसके बाद जो है ईद मिलादुन नबी खत्म हुई, फिर उसके बाद अलादीन साहिब रहमतुल्लाह अलैह जी की जो है पूरा उरूस खत्म हुआ, और आज जो है बेहतरीन तरीके से जो है दिवाली का भी जो है समारोह हो रहा। तो पाड़वे का दिन है आज और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है अभी थोड़ी देर में जो है ट्रैक्टर की रैली वगैरह निकलने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है सजावट वगैरह की गई, ऐसे जो है टोटल 8 ट्रैक्टर जो है अभी आने वाले हैं, टोटल 8 ट्रैक्टर सिर्फ पटेलांग के, और इंशाल्लाह गाँव में के भी जो है बाकी लोगों के भी जो है ट्रैक्टर आने वाले, और यहाँ से जो है गाँव के श्री जगतगुरु रेणु सिद्धेश्वर महाराज जी के मंदिर से लेकर अपने जो खेत में जो मंदिर है जगतगुरु महाराज का, वहाँ मंदिर तक जो है बेहतरीन तरीके से रैली वगैरह निकलेंगी। तो फिर चलिए देखते हैं क्या होता है, और बहुत ही शाही तरीके से जो है आज इस पूरे दीपावली उत्सव का जो है समारोह हमारे लिंबी चिंचोड़े गांव में होने वाला है। तो फिर चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग। चलो भाई लोग, बहुत ही शानदार तरीके से जो है सभी ट्रैक्टरों को जो है सजाया गया है, और अभी खेत से जो है डायरेक्ट जो है सभी ट्रैक्टर्स को जो है गांव में लाया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम गाने बजाते हुए एकदम जोरदार तरीके से पूरा ट्रैक्टर्स की जो है रैली चल रही है यहाँ पर। बहुत ही शानदार तरीके से शाही तरीके से जो है ये पूरा ट्रैक्टर की रेस जो है गांव में आ रही है भाई। बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है आज का ये पूरा मेरोनोक होने वाला है। चलो भाई लोग, बहुत ही शानदार तरीके से जो है गांव के सभी ट्रैक्टर्स जो है यहाँ पर अभी श्री जगतगुरु रेणु सिद्धेश्वर महाराज जी के मंदिर में आ चुके हैं। अभी जो है इन सभी ट्रैक्टर्स के जरिए जो है यहाँ पर मंदिर की प्रदक्षिणा वगैरह की जाएगी, और बाद में जो है सभी ट्रैक्टर्स को जो है वापस गाँव में ले जाया जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से खूबसूरत तरीके से जो है सभी लोगों ने अपने अपने ट्रैक्टर्स को सजाया है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है ये पूरी रैली चल रही है ट्रैक्टर्स की। बहुत ही ज़्यादा मजा आ रही है भाई, बहुत ही खूबसूरत जो है ये मंजर दिख रहा है, बहुत ही शाही जो है ये मंजर यहाँ पर दिख रहा है। अपने प्यारे हिंदुस्तान में हम हर रोज नया त्योहार और नया उत्सव मनाते हैं। कभी ईद मनाते हैं तो कभी दिवाली मनाते हैं, कभी गांधी जयंती तो कभी 15 अगस्त। इन सभी त्योहारों में हम अपने देवी देवताओं के, बुजुर्गों के और राजकीय नेताओं के पुराने तस्वीर या तो ठीक कराते हैं या फिर नए बनाते हैं। इन सभी त्योहारों पे हम अलग अलग तोहफे भी देते हैं। इन सभी तस्वीरों के साथ, इन सभी तोहफों के साथ हम बहुत कनेक्टेड होते हैं। अगर इन सभी तस्वीरों को सुधारना हो या फिर नई तस्वीर खरीदनी हो या फिर नया तोहफा खरीदना हो तो हम किस पर भरोसा करें? आपके इन सभी सवालों का केवल एक ही जवाब है, वो है सोलापुर शहर के रवि चंद्रकांत जवेरी जी और आदिराज रवि जवेरी जी का बेहतरीन माणिक चौक सोलापुर का तिरुपति गिफ्ट एंड फ्रेमवर्क। यहाँ आपको देवी देवता, राजकीय नेते, खूबसूरत आर्टवर्क और निसर्ग चित्र शानदार फ्रेम में खरीदने मिलेंगे। या फिर आपकी कोई पुरानी तस्वीर हो, सर्टिफिकेट हो या आर्टवर्क हो, हम उसे बिल्कुल नया बना देंगे। इस काम का हमें 100 साल का गाढ़ा अनुभव है। हम आपका काम बहुत ही तेजी से और अर्जेंटली भी कर दे सकते हैं। और अगर आपको अपने प्रिय जनों को बेहतरीन तोहफे देने हैं तो उसका भी उपाय है। हमारे यहाँ बेहतरीन मूर्तियाँ, वेडिंग गिफ्ट, वैलेंटाइन गिफ्ट, मकर संक्रांत के लिए अपने ग्राम दैवत सिद्धेश्वर महाराज जी की स्पेशल मूर्ति भी हमारे यहाँ मिलेगी। तो फिर अब देर किस बात की, सोलापुर शहर का ये बेहतरीन जवेरी परिवार आप सभी लोगों की सेवा में हर रोज सुबह 8 से रात 9 बजे तक उपलब्ध है। तो फिर आप हमें फोन लगा सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर जो है 8087868900 और उसके साथ साथ 9960980195, या आप हमारे शॉप को भेंट दे सकते हैं। हमारा पता है तिरुपति गिफ्ट एंड फ्रेमवर्क, माणिक चौक सोलापुर। तो फिर देर किस बात की, जल्दी आइए और हमें अपनी सेवा का मौका दे दीजिए। विश्वास ही हमारी पहचान है। धन्यवाद। चलो भाई लोग, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही जानदार तरीके से लिंबी चिंचोड़ी गांव के नूरवंशी पाटिल घराने के सभी ट्रैक्टर्स जो है श्री जगतगुरु रेवण सिद्धेश्वर महाराज जी के मंदिर के पास आ चुके हैं। गांव के
बराबर सेंटर में आ चुके हैं और बहुत ही शाही तरीके से जो है यहाँ पर इन सभी ट्रैक्टर्स को जो है लगाया गया है। लगभग जो है 7 से 8 ट्रैक्टर्स जो है यहाँ पर नूरवंशी पाटिल घराने के आ चुके हैं और बहुत ही शाही जो है ये दीपोत्सव जो है यहाँ पर लिंबी चिंचोली गाँव में चल रहा है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पर पूरे पाटिल घराने के नूरवंशी पाटिल घराने के सदस्य मौजूद हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है हमारे गांव के स्वामी जी के हाथों से जो है अभी पूजा अर्चना की जाएगी और बहुत ही खूबसूरत जो है लाइटिंग की गई भाई। बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है पूरे ट्रैक्टर्स को जो है दुल्हन की तरह यहाँ पर सजा कर लाया गया है। और शेतकरियों का बैलों के बाद अगर सबसे प्रिय अगर कोई चीज होगी उनके बैलों से ज्यादा उनके जानवरों से ज्यादा अगर उन्हें कुछ प्रिय होगा तो वो होता है उनका ट्रैक्टर। और इसी ट्रैक्टर्स को जो है यहाँ पर शानदार तरीके से सजा कर जो है लिंबी चिंचोली गांव के नूरवंशी पाटिल घराने के सभी लोगों ने जो है लेकर आए हैं। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रहे भाई ये ट्रैक्टर्स, बहुत ही शानदार तरीके से सजावट किए। नहीं बोले तो भी 1 हफ्ते से जो है बच्चे लोग ये पूरे सजावट के काम में लगे हुए थे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेहनत करके जो है इन सभी ट्रैक्टर्स को यहाँ पर सजाया गया है और हमारे स्वामी जी जो है सभी ट्रैक्टर्स की जो है पूजा की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है ये पूरा चल रहा भाई, मंजर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा माशाल्लाह। एकदम क्या चका करे मालूम क्या, एकदम शाही जो है ये दिवाली चल रही माशाल्लाह। और कुछ भी करो पाटिल लोगों का नाद मत करो, है पाटिल लोगों का नाद नहीं करने का, क्योंकि पाटिल जो है ना बहुत ही खतरनाक लोग रहते हैं और बहुत ही ब्रांड आड़नाम है मालूम क्या। ये ब्रांड सी जो है आपको लेकर पैदा होना पड़ता है, इस नाम को आड़नाम को लेकर जो है पैदा होना पड़ता, या फिर किसी के घर में शादी करके जाना पड़ता तब बचे आड़नाम मिलता, आड़नाम बदल को भी नहीं मिलता पाटिल, ऐसा आड़नाम है ये। तो इतना ब्रांड आड़नाम है हमारा, इतना जबरदस्त तरीके से मेहनत कर जो है लोगों ने इस आड़नाम को जो है पाया है, मेहनत कर कुछ तो एक अलग काम करके दिखाकर, एक अपना तजुर्बा दिखाकर, अपनी स्किल दिखाकर, अपनी पावर दिखाकर जो है लोगों ने इस आड़नाम को जो है हासिल किया है हमारे पूर्वजों ने। और इसी आड़नाम की जो है शान यहाँ पर बरकरार रखी हुई है हमारे परिवार के लोगों ने और बेहतरीन तरीके से शानदार तरीके से शाही तरीके से जो है हमारे परिवार की यहाँ पर ये दिवाली जो है चल रही है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से चल रहा भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा। तो फिर चलिए हम सभी पाटिल लोगों के लिए ये बेहतरीन गीत मैं यहाँ पर सादर करना चाहता हूँ। लई 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 नॉटी लई 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 नॉटी लई 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 वकड़ा मिशीचा आकड़ा, लई लई वकड़ा मिशीचा आकड़ा, पाटलाचा नाद कुणी करू नका, धोतर घालून कोटवर टाकला, पाटलाच्या वाटेला जाऊ नका, डोक्यावर टोपीनी तोंडात पान, डोक्यावर टोपीनी तोंडात पान, पाटील गातो या गाण, बैवाड्यावर या बैवाड्यावर या बैवाड्यावर या बैवाड्यावर या। हे इश्काच्या वाऱ्यात पाटील जोमात, इश्काच्या वाऱ्यात पाटील जोमात, अंगात सलगी भरली आता काहूर दोघात, भीतीच्या पल्ल्याड अटगळ दारास लावू आता, इश्काच्या वाऱ्यात पाटील जोमात, अंगात सलगी भरली आता काहूर दोघात, भीतीच्या पल्ल्याड अटगळ दारास लावू आता, अशी भिंगरी वाड्यात शिरली अंगात घुमली, लाजेचा आवलई आणू नका, डोक्यावर टोपीनी तोंडात पान, डोक्यावर टोपीनी तोंडात पान, पाटील गातो या गाण, बैवाड्यावर या बैवाड्यावर या बैवाड्यावर या बैवाड्यावर या। एकच इशारा भलताच ह्यो तोरा, एकच इशारा भलताच ह्यो तोरा, भुवईचा बाण करून सोडी तो तीर, मराठ मोळानी डोळ्याचं मारान, आवाज ऐकून वाघवी तीर, एकच इशारा भलताच ह्यो तोरा, भुवईचा बाण करून सोडी तो तीर, मराठ मोळानी डोळ्याचं मारार, आवाज ऐकून वाघवी तीर, आमचा रे मान आमचा रे ते मान, पब्लिक चिरे जान, निळू भाऊंची भलतीच शान, डोक्यावर टोपीनी तोंडात पान, डोक्यावर टोपीनी तोंडात पान, पाटील गातो या गाण, बैवाड्यावर या बैवाड्यावर या बैवाड्यावर या बैवाड्यावर या।
आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे दिवाली सीजन को आखिर तक देखने के लिए। बहुत ही ज़्यादा मजा मस्ती करे, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करे इस दिवाली में, बहुत ज़्यादा फिरे घूमे, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला। अगर आपको भी ये पूरा एक्सपीरियंस पसंद आया है तो इसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताओ। और जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को, ऐसे ही बेहतरीन इवेंट्स को, ऐसे ही बेहतरीन जो है सनासुदियों को देखने के लिए सब्सक्राइब करो। तो फिर तब तक के लिए अलविदा, मिलेंगे फिर से ऐसी ही किसी बेहतरीन और भन्नाट वीडियो सीरीज में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दिवाली के पावन पर्व के फौरन बाद जो है बहुत ही शानदार तरीके से हमारे मामूजान मंसूर भाई मुल्ला जी की जो है बेहतरीन तरीके से शाही वेडिंग सेरेमनी जो है हुई है, जिसका भी जो है सीरीज जल्द ही आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। तो फिर जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप जो है इस शाही शादी को सबसे पहले देख सके और इस नए जोड़े को जो है दुआ दे सके।